आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जो लोग प्यार में तड़पते हैं, जो लोग प्यार में परेशान हैं, जो लोग रिलेशनशिप में दिक्कत में हैं, उनके लिए दुनिया की हर एक चीज बहुत छोटी लगने लगती है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना सब बेकार। दो उंगलियों के बीच से ये मंत्र बोलकर फूंक मारनी है, उसके बाद प्यार खुद तुम्हें मिलना चाहेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्ते को, रिलेशनशिप को, पारिवारिक लाइफ को, दाम्पतिक लाइफ को, मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से रिपेयर करके आपके पक्ष में खड़ा किया जाता है, आपको जिताया जाता है और रिपेयर किया जाता है। जोड़ियां आसमान में बनती है, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जीवन की हर एक व्यवस्थाओं को आपके पक्ष में खड़ा किया जाता है। पिछले 20 सालों में लगातार लोगों का बेनिफिट हो रहा है, लाभ मिल रहा है। लाभ लेने वालों की संख्या अभी तक क्लोज टू 21 लाख हो चुकी है। ये संख्या, ये व्यवस्था निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये रिकॉर्ड बढ़ रहा है रोज का रोज। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा जो समर्पण है वो बहुत स्पेशल है। साथ में हमारे साथ में 4000 लोगों की टीम और रिसर्च, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, परिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का एक साथ निचोड़ निकाल करके आपको साझा करना, आपको रिपोर्ट बताना और आपको उसके पक्ष में लाभ पहुंचाना, ये इस प्लेटफॉर्म का प्राथमिक वर्क है। आज हम कह रहे हैं कि एक ऐसी मुद्रा है जिसमें उंगलियों के बीच से फूंक मारनी है। केवल फूंक मारने से आपका रिश्ता, आपका लव, आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप, आपका पारिवारिक लाइफ, आपकी हर एक रिश्ते में एक अद्भुत खिंचाव बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा और वो खुद आपसे आकर बात करना चाहेगा, खुद मिलना चाहेगा, खुद आपके पक्ष में खड़ा होगा। अब ये सिचुएशन, ये स्थिति, ये चीजें कैसे होती है? मुद्राओं का अपना अलग प्रभाव है। मुद्राओं के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए आपको समझना होगा सूर्य की किरणों का अलग अलग प्रकार। सूर्य की किरणें अलग अलग एंगल पर पृथ्वी पर पड़ती हैं और हर एंगल पर एक अलग धातु का निर्माण होता है। वही सूर्य की किरणें कहीं पर तांबा बना रही हैं, कहीं पर चांदी बना रही हैं, कहीं पर सोना बना रही हैं, कहीं पर हीरा बना रही हैं, तो कहीं कोयला बन रहा है, कहीं पर मिट्टी बन रही है, कहीं पर पेड़ पौधे बन रहे हैं, कहीं पर मीठे फल और कहीं पर कड़वी नीम और मिर्च भी बन रही है। सूर्य की किरणों का आकार विकार है, सूर्य की किरणों का एंगल है। उसी एंगल को समझ के ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने मुद्राओं का निर्माण किया। मुद्राएं बना बना करके पहले ऋषि मुनि देवताओं को भी आकर्षित कर लिया करते थे। आज भी जब कोई पंडित, पुजारी, पाधा, महात्मा, संत, अमलात्मा कोई पूजा पाठ करता है तो अनेकों प्रकार की मुद्राएं बनाता है। भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर है माता कामाख्या का, आसाम में कामरूप कामाख्या के नाम से मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। वहां पर एक स्पेशल मुद्रा है, योनि मुद्रा, जिस मुद्रा में नमस्कार किया जाता है। इसी मुद्रा में प्रणाम करने पर देवी प्रसन्न होती और न वो प्रसन्न नहीं होती। एकाक्षी भगवान शिव के मंदिर में अगर आप ये मुद्रा बनाना नहीं जानते तो शिव का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो अगर आपको ये मुद्रा बनानी नहीं आती तो आपकी आंखों की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के मुद्राएं अपने आप में बहुत स्पेशल चीजें करती हैं। आज आपको बहुत एक अलग मुद्रा बता रहा हूं और ये मुद्रा आप को बनाकर फूंक मारनी है। इस मुद्रा का अपना अलग अलग बहुत सारी चीजों में प्रभाव है, खास तौर से प्यार में, रिश्तों में, संबंधों में तो ये कहर ढाती है मुद्रा। वो जानिए पूरा विश्लेषण, पूरी बात आपको बता रहा हूं। मुद्राओं के बारे में बताना इसलिए आवश्यक था कि तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा उंगलियों के बीच से फूंकने से कैसे कुछ हो सकता है। हो सकता है ना?
सुंदरकांड में एक चौपाई है, वो भी एक मुद्रा थी। एक ऐसी मुद्रा एक घास के टुकड़े से सीता बनाती थी, माता सीता की बात कर रहा हूं, जो रावण को भयभीत करती थी। तृण धरी वोट कहत बेदेही सुमेरी अवधपति परम स्नेही। उस मुद्रा को बनाकर सीता जब कहती थी तो रावण भयभीत होता था। मुद्राओं का बहुत प्रचलन है, चीन इत्यादि भी तो मुद्राओं के आधार पर ही युद्ध सिखाया जाता है। जूडो कराटे या जितनी भी कुंग फू जितने भी ये हैं, ये सब मुद्राओं को वो जब आपकी तरफ हाथ करते तो उनकी इस तरह की मुद्राएं बनती, हाथ टेढ़ा करके, उंगलियां टेढ़ी कर महात्मा बुद्ध की मुद्रा, अनेकों मुद्राएं, और उन मुद्राओं में युद्ध करते हैं, उन शक्तियों को फिल्मों में तक दिखाया जाता है। आप कभी देखिए, आपको पता चलेगा। मुद्राओं का बड़ा प्रभाव है, हम नहीं जानते इसलिए नहीं पता, इनको मालूम है जो जानते हैं, जो इसका प्रयोग कर रहे हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। आपको उस मुद्रा का पूरा प्रभाव बताऊं उसके पहले आपको एक वॉइस मैसेज सुनाता हूं, आपके बीच का अनुभव है, कंसर्न लेने के बाद सुना रहा हूं, आपकी बातें गुप्त रखी जाती है, आप निश्चिंत होकर कॉल करें, ये मत सोचिएगा कि आपकी बात भी सुनाई जाएगी, आप कहेंगे आवश्यक होगा, आपके कहने के बाद भी आवश्यक लगेगा तो ही सुनाएंगे, वरना कहने पर भी नहीं सुनाते। वॉइस मैसेज प्लीज। ओम साई राम बाबा जी, जय माता दी। गुरु जी के चरणों में लख लख कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, अभी मेरी ननद से मेरी बात हुई, वो बहुत खुश थी और बोली, भाभी अगर आप मुझे नहीं बताते गुरु जी का रास्ता तो फिर घर में कुछ ना कुछ जरूर हो जाता, उनकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई बाबा जी, और गुरु जी का आशीर्वाद यूं ही हम सब पे बना रहे। ओम साई राम, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम चाहते हो तुम्हें जरूर मिले, ऐसी इच्छा रखता हूँ। अब जो कह रहा हूँ उसे गंभीरता से समझिएगा, ये मुद्रा अपने आप में बहुत स्पेशल मुद्रा है। इस मुद्रा को बना करके माता कुंती ने बहुत कुछ पाया, इस मुद्रा को बनाकर माता द्रौपदी ने बहुत कुछ पाया, इस मुद्रा को बना करके बहुत सारी ऋषि कन्याओं ने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। आज वो मुद्रा मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस मुद्रा से कई फायदे हैं, पहले मुद्रा समझ लीजिए फिर फायदा बताता हूं। आपको करना यह है, मृगी मुद्रा बनाना है, ऐसे करने से मृग बन जाता है। दो मृगी मुद्राएं बनानी है, इसे करने से मृग बनता है, और इन दोनों मृगी मुद्राओं को अपोजिट रख देना है, और ये मृगी मुद्रा छोड़िएगा मत। अब एक्चुअली ये मुद्रा बनाने से दो मृगों की का मिलन की मुद्रा है, मृग मिलन बोलते हैं। दिल और मन को हमेशा मृग से नापा और समझा जाता रहा है, इसको बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए दोनों मृगी मुद्राओं में, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बहुत गंभीरता से, एक में उल्टे हाथ में नमक और दाहिने हाथ में चीनी चुटकी में पकड़ लीजिए, और प्रभावशाली हो जाएगा। और बस ऐसे रख लीजिए, ऐसे रखकर सामने देखिए और अपने प्यार को याद करके फूंक मारिए 3 बार। और दाहिना हाथ बाईं तरफ पीछे फेंकिए, बायां हाथ दाहिनी तरफ पीछे फेंकिए, और बस विश्राम कीजिए। ये काम सूर्योदय के पूर्व कर सकते हैं जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जो लोग जल्दी नहीं उठ पाते वो शाम को सूर्यास्त के बाद अंधेरे में कर सकते हैं, बालकनी में, छत में, सड़क पर, कहीं पर भी। इतना प्रभावशाली है, करते ही बेनिफिट होता है। जाता क्या है तुम्हारा इसमें, एक चुटकी नमक और एक चुटकी चीनी ना, बस करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है। इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता भी समाप्त होती है, इस उपाय को करने से घर में बरकत बढ़ने लगती है, इस उपाय को करने से व्यापार बहुत अच्छा होता है।
होता है। इस उपाय को करने से ऊपर लगा हुआ अपलक्षण समाप्त हो जाता है। इस उपाय को करने से यशकीर्ति की वृद्धि होती है। इस उपाय को करने से आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। इस उपाय को करने से आपका ध्यान एकाग्र होता है। इस उपाय को करने से आपके मन में शांति आती है। कितने ही उपाय, कितने फायदे इसके, एक ही उपाय के करके देखिए, बहुत अद्भुत है, बहुत शक्तिशाली है, आपको बहुत बेनिफिट देगा। खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्राणायाम करके पानी पीजिए। इन सब चीजों के बारे में मैंने बहुत बताया, ऐसा क्यों कीजिए, है ना? पूरे मन से कहो, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना और रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और अपने बारे में बहुत सारे लोगों को शेयर करना गलत है। मत करिए, ऐसा करने से आपका काम रुक सकता है, खराब हो सकता है, नहीं होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। जो करते हो सर, जो कहता हूं तुम करते जाओ। तुम्हारे जीवन में चीजें ठीक हो इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई दूसरा तुम्हारा बेनिफिट ना उठा सके, है ना? मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करना। ओम नमः शिवाय। Thank you.